हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग हमेशा मुझसे प्लांट केयर की बात पूछते हो, तो इतने सालों में मैंने यही सीखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टाइमिंग, पानी कब देना है, और लोकेशन, पोजीशन, कि इनको सनलाइट डायरेक्ट मिलता है या इनडायरेक्ट मिलता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई इंडोर प्लांट लेते हो, उसमें एक टैग होता है, उसमें मेंशन होता है कि उनको सनलाइट पसंद है, नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, मॉइस्चर कितना चाहिए। जब भी प्लांट केयर की बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमें यही लगता है कि पानी दो, बट टू मच वाटर इज ऑल्सो नॉट गुड। जैसे हम अपने आप को अगर खिलाते रहे तो हमारे पेट की क्या हालत होगी। तो बस वैसे ही है हमारे प्लांट्स कि इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप फिंगर को अंदर डाल के देखो सॉइल के, वो अगर आपको गीला लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी देने की। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऊपर से मिट्टी बिल्कुल ड्राई होती है, आपको लगता है पानी देना है, बट अंदर से वो गीला होता है। फिर हम पानी के ऊपर पानी दे देते हैं और रूट्स गल जाते हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जो मेरे प्लांट्स हैं, विंटर्स में मैं 15-20 डेज पे एक बारी पानी देती हूँ, बट मैं चेक एवरी डे ज़रूर करती हूँ कि किसी को पानी की ज़रूरत है। कभी कभी लीव्स ड्राई हो जाते हैं तो उन लीव्स को कट कर देना चाहिए, बट लीव्स ड्राई हो जाए कोई बात नहीं, बट नए लीव्स आते रहने चाहिए। तो सारे प्लांट्स ऐसे ही आपको चेक करने होते हैं कि नए लीव्स आ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब है प्लांट ठीक है। कभी कभी होते ही है ना कि पुराने लीव्स ख़राब हो जाते हैं, जब तक पुरानी चीज़ जाएगी नहीं, नई चीज़ आएगी कैसे। तो बस कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है हमारे प्लांट्स के साथ भी। और जितने भी छोटे प्लांट्स होते हैं, मैं उनको डायरेक्टली पानी नहीं देती हूँ, नीचे से बॉटम वाटर बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे छोटे प्लांट्स के लिए, क्योंकि ऊपर से ना टू मच वाटर चला जाता है तो फिर वो घबरा जाते हैं। तो नीचे से धीरे धीरे पानी जाता है ना, तो वो उनके रूट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये वाला प्लांट फूड यूज़ करते हैं हम, लिक्विड प्लांट फूड है। इसके कुछ ड्रॉप्स डालने होते हैं पानी में, और विंटर में मंथ में सिर्फ एक बारी यूज़ करती हूँ, और समर्स में मंथ में दो बारी। वैसे इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे होते हैं। खूब सारा सौंफ डाल के बॉईल कर लिया था। मैं कभी नींबू पानी पी लेती हूँ, किसी दिन जीरा पानी, कभी ऐसे ही सॉफ्ट वाटर। तो अभी तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो रख दिया है, और स्पेगेटी बॉईल होने के लिए तो रख ही दिया था, तो ऑलमोस्ट बॉईल होने वाला है। मैं इसका सॉस बना लेती हूँ, आज वाइट सॉस बना रही हूँ, और मैं वाइट सॉस में कभी भी मैदा ऐड नहीं करती हूँ, होल व्हीट आटा यूज़ करती हूँ, या फिर आप ओट्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख लो, तो ओट्स का पाउडर, गेहूँ का आटा, इवन चावल का आटा भी आप यूज़ कर सकते हो वाइट सॉस बनाने के लिए। आप कभी ट्राई करके देखना, फिर आप कभी भी मैदे पे वापस नहीं जाओगे, क्योंकि टेस्ट का कोई खासा डिफरेंस नहीं होता। स्पेगेटी को थोड़ा सा ब्रेक करके फिर मैं डालती हूँ इनके लंच बॉक्स के लिए स्पेशली, ताकि खाने में इजी हो। घर पे खाते हैं फिर तो पूरा पूरा डाल देती हूँ, वो सुरुक सुरुक करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, जैसे हम बचपन में मैगी खाया करते थे कि जितनी लंबी होती थी उसकी स्ट्रिंग उतना मज़ा आता था खाने में, है ना। क्यूश हमारा जल्दी जल्दी उठ जाता है, रेडी हो जाता है, और फिर सबको हल्ला कर करके रेडी कराते हैं। लंच में मस्त तड़का वाली मिक्स दाल बनेगी, तो मैंने मसूर दाल, तुअर दाल और चना दाल ऐड किया है। मसूर और तुअर ज़्यादा ऐड किया और चना थोड़ा सा कम। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने दाल को थोड़ी देर के लिए सोख करके रख दिया था, और इंस्टेंट पॉट में अदरक कट करके डाल दिया, थोड़ी मिर्ची भी ऐड कर दी है, पानी, नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर, और प्रेशर कुक किया है अराउंड 7 मिनट्स के लिए।
वाइट सॉस के लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है और उसमें गार्लिक को हल्का सा भून लिया है और फिर आटा ऐड किया है। जब आटा अच्छे से भून गया ना, फिर मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम के जगह पे आप दूध भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये एक डेट होता है ना इसका, बेस्ट बिफोर। तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे भी ये जा सकता है वहाँ पे इसको डाल दिया जाए। और दूध डाल के या फिर क्रीम डाल के ना बहुत अच्छे से स्टर करना होता है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। इसी में मैं पेपर और स्पिनच ऐड कर रही हूँ। कॉर्न भी अच्छा लगता है इसके साथ। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा चीज़, थोड़ा थोड़ा पास्ता वाटर ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी कर लेंगे। क्रीमी सॉस बिल्कुल रेडी है। गियर से कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा है। तो लंच बॉक्स के लिए बचा के रख। किसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की ना सीन लग रहा है। वो भी बच्चों को छोड़ के आया ना, तो पूरी लेन ऐसे ना, मतलब ट्रीज ऐसे इधर से दिख रहे हैं ना, तो ऐसे ये क्यों बोलता, वी आर इन अ डार्क फॉरेस्ट। एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। स्नो तो नहीं हुई है, फ्रॉस्टी है ये तो। एग्जैक्टली वही है ना, जैसे उसे देखोगे ना, कांटे कांटे से। हाँ, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटी लग रहा है। और बीच बीच में थोड़ा ग्रीन ब्लैक सब दिखता है ना कलर्स, और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। दाल तड़के के लिए घी को गरम कर लिया और फिर जीरा ऐड किया है, खूब सारा अनियन, जिंजर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक। मैं ना मोस्टली सिंपल वाली दाल बनाती हूँ, बस घी में छौंक लगा के और अदरक टमाटर बस। पर आज मैं तड़के वाली दाल बना रही हूँ जो ढाबा स्टाइल होता है ना, इसमें दो तड़का पड़ता है और बहुत पसंद है सबको। मुझे और मम्मी को सिंपल वाली जो पतली दाल होती है वो अच्छी लगती है, बट और सबको मसाले वाली दाल अच्छी लगती है। और मशरूम भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो सूखी सब्जी बना रही हूँ उसकी। और मशरूम को जब भी क्लीन करते ना, कभी पानी में नहीं धोना चाहिए। मैं पहले यही गलती करती थी और फिर बिल्कुल टेस्ट नहीं आता था, क्योंकि मशरूम ना स्पंज के जैसे होता है, पानी को पूरा सोख लेता है और वो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप बस वेट नैपकिन से पोंछ लो, और अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो ऊपर आप ना थोड़ा आटा स्प्रिंकल करो और फिर वेट नैपकिन से पोंछो। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल वाइट मशरूम हो जाएगा आपका। दाल रेडी है, बस ऊपर से छौंक लगाऊंगी घी में, खूब सारा गार्लिक, सूखी मिर्च, थोड़ी सी हींग। गार्लिक अच्छे से ब्राउन हो गया है, गैस को ऑफ कर दिया है, कश्मीरी चिली पाउडर और खूब सारा धनिया। और यहाँ पे मशरूम के लिए भी पैन चढ़ा दिया है, बटर ऐड किया है और इसमें डालेंगे खूब सारा गार्लिक, साथ में ही थोड़ा सा अनियन भी ऐड कर दिया है। कोई भी बैठने वाली जगह होती है ना, वहाँ पे एक स्टोल या ब्लैंकेट तो विंटर्स में ज़रूर होता है, और उसको फोल्ड करना भी एक काम हो जाता है, क्योंकि कुशन्स, स्टोल्स, ब्लैंकेट्स ये हमेशा खुले हुए, नीचे ज़्यादा पड़े हुए मिलते हैं। और हाँ, आप लोग मुझसे केयूष के टॉय का लिंक मांग रहे थे, तो गिफ्ट था, तो लिंक तो नहीं है मेरे पास। तो ये हॉट व्हील्स का मॉन्स्टर ट्रक है, हॉट व्हील्स मॉन्स्टर ट्रक, इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। लाइक क्रिसमस आ रहा है ना, बच्चों को आप अगर क्रिसमस गिफ्ट में देना चाहते हो, जिसको भी कार्स एंड ऑल पसंद है, तो गुड फॉर देम।
लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था ना मैंने छुट्टी ली हुई है, तो वैसे तो मैं लंच बाद में भी बना सकती थी, बट छुट्टी भी हो ना तो मेरी कोशिश यही रहती कि मैं सुबह सुबह सारा काम निपटा लूँ, कुकिंग का स्पेशली। एक बार ही खाना बना हुआ होता है ना फिर आप फ्री हो जाते हो, फिर आप जो मर्जी करो, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, कुछ और काम करना है उसके लिए भी टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ पूरे दिन आप बस किचन में ही गुजारते हो। जब मैं जॉब नहीं करती थी तब वाला फेज भी कुछ ऐसा सा ही था कि मैं मॉर्निंग में ही कोशिश करती थी कि सारा लंच एंड ऑल बना लूँ। वैसे भी अनुज आते थे लंच के लिए 12 बजे, तो अभी भी ना अनुज घर से ही काम करते हैं। और जब से मैंने छुट्टी ली है ना, क्योंकि अनुज ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, तो मैंने भी ना बस फ्रूट्स खाना स्टार्ट किया, बस एक बनाना खाती हूँ। फर्स्ट डे तो बहुत भूख लगी बट उसके बाद से ना बड़ा ही नॉर्मल हो गया है, लाइक चाय वाय कुछ नहीं पीती हूँ, सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ और जो नट्स और डेट्स वो तो खाती हूँ रेगुलरली, वो लेती हूँ बस। और 12 बजे मैं और अनुज साथ में लंच कर लेते हैं और फिर डिनर भी जल्दी कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लाइक उतना हैवी हैवी नहीं लगता, हल्का हल्का लग रहा है। दाल सही है? बस दाल मस्त, गुड, ऐसी बनाया करो। हाँ हाँ, और खिलाया करो, है ना, बुला के खिलाया करो, आ जाओ आ जाओ, खाना हो गया। आपको देख के लगता पता नहीं कितनी ठंड है, इनका फेवरेट है ये जैकेट, ये जैकेट पहन के बैठे रहेंगे। ये जैकेट ऐसी है, अंदर पहन के रखो तो गर्मी नहीं लगती, बाहर जाओ तो ठंडी लगती, तो क्या दिक्कत है। मशरूम बताओ कैसे बना। मैं भी, और वो क्या रणबीर पर आ रहा है वो क्या? हाँ रणबीर पर, गार्लिक की खुशबू। चलिए दोस्तों, इस कंफर्ट सी थाली के साथ आप लोगों को भी बाय बाय करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।